कोई इज्जत नहीं है मेरी, मैं नंगा हूँ। हाँ जी भाई, कैसे हो सब लोग? गुड आफ्टरनून। ओह माय गॉड, मैं खेलने वाली थी सीढ़ियों में, बहुत जल्दी जल्दी बैठने की कोशिश कर रही थी। आई एम फाइन नाउ। दोपहर के बज रहे हैं 4 और मैं अभी अभी अपनी ग्रोसरी शॉपिंग फिनिश कर घर आई हूँ और इसके बाद मैं जा रही हूँ अबीर को स्कूल लेने। तो इससे पहले मैं जाऊँ अबीर को स्कूल लेने, तो आपने देखा होगा मैंने अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग में कुछ चीज़ें उठाई हैं। उनमें से एक चीज़ है जिससे मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इंट्रोड्यूस करा है मेरी फ्रेंड्स ने। तो क्या है वो चीज़, एक मिनट में दिखाती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, यूके में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, अगेन एज पर मी, लाइम स्केल की। तो यू नो, शावर हेड्स पर, शावर हेड के पूरे फ्रेम पर, टैब्स पे लाइम स्केल बहुत ईजिली आ जाता है, और या फिर यू नो वो वाटर मार्क्स। तो लाइम स्केल क्यों होता है, आई थिंक इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। आई थिंक द मेन रीजन इज द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो ऑब्वियसली ये नया घर है और सब कुछ नया था, लेकिन सडनली वो लाइम स्केल आना शुरू हो गया यहाँ के टैप्स पर भी। सो मैं बहुत परेशान थी। रोज यू नो एक टास्क हो जाता था नहाने के बाद सब चीज़ें साफ करने का, ताकि लाइम स्केल ना आए, वाटर मार्क्स ना पड़े, एंड नहाना एक नहाना एक मुसीबत बन जाती थी हम लोगों के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इस चीज़ को लेकर कि कैसे यार ये लाइम स्केल्स को कैसे दूर करूँ। हालांकि हमने उसका एक परमानेंट सोल्यूशन भी ढूंढ लिया है, और वो परमानेंट सोल्यूशन ये है कि हमने अपने घर में वाटर फिल्टर्स लगवा लिए हैं। तो घर के हर टैब में अब फिल्टर्ड वाटर आता है, तो उससे लाइम स्केल 100% तो नहीं, कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा, पर जो मार्क्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, वाटर मार्क्स और लाइम स्केल, उसको कैसे रिमूव करूं, आई वॉज नॉट हैविंग एनी क्लू। मैं ब्लीच यूज नहीं करना चाहती थी, बिकॉज ब्लीच मुझे ऐसा लगता है कि ब्लीच चीज़ों को ख़राब कर देती है। तो मैं रोज़ उसको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी और तरीके से साफ करने की कोशिश कर रही थी, बट कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा था। देन माई फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस मी दिस समथिंग, आई कॉल इट मैजिक। अभी दिखाती हूँ आपको। तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे इंट्रोड्यूस करा वाई कॉल से। गाइस ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं बहुत परेशान हूँ लाइम स्केल को लेके, आई एम श्योर स्पेशली जो लोग यूके में रहते होंगे बहुत परेशान होंगे। तो वाई कॉल वर्क्स लाइक अ मैजिक अगेंस्ट लाइम स्केल। तो मैं आपको अभी एक मिनट में दिखाती हूँ ये कैसे काम करता है। तो ये हमारा बाथटब है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है और बिल्कुल नया लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी लाइम स्केल की प्रॉब्लम है। सो आई विल शो यू इन अ मिनट। तो अगर आप ध्यान से देखिए, तो ये जो शावर का जो पैनल है जहां से शावर ऑन एंड ऑफ होता है, वहां पे लाइम स्केल डिपॉजिट होना शुरू हो चुका है, और बहुत सारी जगहों पर वाटर मार्क्स है। ये देखिए आप, यहाँ पे इतना लाइम स्केल डिपॉजिट हो चुका है। ये कुछ लाइम स्केल है, कुछ वाटर मार्क्स भी है, लेकिन वाइकॉल इन सबको क्लीन कर देगा। टैब की नॉब्स पर भी वाटर मार्क्स हैं बहुत सारे। कुछ 6 months हुए इन सब चीजों को यूज करते हुए, बट स्टिल अगर अभी से हमने इसको क्लीन करना नहीं शुरू करा, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस लेटर। तो मैं बहुत डिस्टेंस से रख के इसको स्प्रे कर रही हूँ। आई वुड रिकमेंड प्लीज ग्लव्स पहने अपने हाथों में, आई नो आई एम नॉट वेयरिंग इट राइट नाउ। अब जहां जहां मुझे वाटर मार्क्स नजर आ रहे थे, जहां जहां मुझे लाइन स्केल नजर आ रहा था, मैंने सब जगह पे वाइकॉल को स्प्रे कर दिया है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन आफ्टर 5 minutes व्हेन आई विल वाइप इट विद द क्लॉथ। अब टाइम है क्लोथ से क्लीन करने का। एक बार मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ अच्छी तरह से, फिर आपको दिखाती हूँ जहां जहां लाइन स्केल था, क्या वहां से लाइन स्केल गया है कि नहीं गया है। तो मैंने शावर स्क्रीन पर और शावर पैनल पर और टैब्स पर वाइकॉल को स्प्रे करके रख दिया था। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से एक वेट क्लॉथ के साथ इसको क्लीन करा, फिर एक बार सब कुछ वॉश करा, और उसके बाद मैंने ड्राई क्लॉथ से ड्राई भी कर दिया। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको इसके नीचे दिखाया था बहुत लाइम स्केल था, एंड नाउ लाइक 80% हैज गॉन। This is amazing. और मैंने आपको दिखाया था कि शावर पैनल पे भी थोड़ा लाइम स्केल है, दैट इज ऑल्सो गॉन। आई थिंक सिर्फ 1% बचा है, और यहाँ पर भी लाइम स्केल था, बट नाउ इट्स ऑल स्पार्कलिंग क्लीन। तो घर की क्लीनिंग खत्म करके मैं आ गई थी अभी सूरी को लेने। तो अभी सूरी जी बैठे हैं पीछे,
बेटा हमने जो गाड़ी का हाल कर रखा है ना, डैडी इज कमिंग. आई डोंट थिंक सो ही विल बी इम्प्रेस्ड बाय अस, बट एनीवेज चलते हैं. अभी गाड़ी के हालात बहुत बुरे हैं. अरे ट्रेन जा रही. There was a train carrying a train. तो लग रहा है ये सौरभ की ट्रेन है, तो मैं फटाफट से लेती हूँ ट्रेन स्टेशन की पार्किंग में ताकि हम उसको पिक कर सके. और हमें करनी है कल की प्लानिंग. कल कैसे कैसे रंग लगेंगे, कैसे कैसे क्या होगा, ये सब कुछ तो आपको मेरे कल के व्लॉग में ही पता लगेगा, जो कि है होली स्पेशल व्लॉग. एक्चुअली अभी ना वो रंगों को चौक बोलता है. सो अबीर व्हाट इज योर प्लान फॉर टुमारो? अबीर ने जैसे बोला आई विल थ्रो चौक ऑन योर फेस मम्मी, मेरा फोन नीचे गिर गया. फोन भी डर गया. एक्चुअली अभी कलर्स को चौक बोलता है, आई डोंट नो व्हाई, बट कल बहुत मजा आने वाला है. मैं तो पानी भी फेंकूंगी तेरे पे. वॉटर, थोड़ी हिंदी कमजोर है ना इनकी. आई विल थ्रो वॉटर ऑन यू. कोल्ड ऑल्सो. पर कल का जो वेदर है वो ये बताना है कि सूरज देवता हम सब पे मेहरबान रहेंगे. अभी हम आ चुके हैं स्टेशन के बाहर, बाहर निकलते हैं और सूर्य साहब का करते हैं ग्रैंड वेलकम. आज हम सौरभ को अंदर लेने जा रहे हैं. उसको लग रहा है कि हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं, बट वी आर गोइंग इनसाइड, राइट अबीर? चलो लेट्स गो. जल्दी आओ जल्दी आओ. This is the first time I've ever been inside. Really? Yeah. Let's go and check it out. Oh, we're going inside. Come here. We have to take you London in a train one day. Yeah. I'm going with the office trip to Daddy when everyone has the vaccination and COVID is finished. Can you say this the same thing in Hindi? No. And you're not going to come. बेटा मेरे को तुम छोड़ ही दो ना, तुम दोनों मुझे छोड़ दो है ना. मेरी कोई वैल्यू ही नहीं. कल तो ऐसे जफियां डाल डाल के सो रहा था जब डैडी घर पे नहीं थे. अबीर यहाँ पे हाइड कर रहा है कि सौरभ आने वाला है कि नहीं. तो अभी तक सौरभ नहीं आया है. बहुत सारे लोग आ चुके हैं लेकिन सौरभ नहीं आया. He's coming. सौरभ आने वाला है. Let's see. He's on the phone. Sorry. Get. You came inside? Yeah. We were trying to surprise you. Okay, चलो गाड़ी खड़ी है वरना वो टिकट चेकर कर देगा सरप्राइज हमें. चलो. कोई इज्जत नहीं है मेरी. बाप आ चुका है. माँ की कोई जरूरत नहीं है इस आदमी को, इस छोटे आदमी को. अभी वॉक विद मी डार्लिंग. देखो नेक्स्ट टाइम यू गो विद योर डैडी ओनली ना. यस या आई विल. या गो टेक हिम. डैडी कल के लिए तैयार हो? रंग बरसे. और मेरे होली के रंग आ चुके हैं. चॉक्स. यस चॉक्स आपकी लैंग्वेज में. तुम मत आओ ना, घर मत आओ गंदे बच्चे. ठीक है आज अभी घर नहीं आ रहा है. बाय अभी. ओके बाय बेटे. आज बाहर ही रहेगा. कलर्स को बाद में खोलेंगे. अभी ऊपर चलो, अभी नहाना है. चलो जल्दी करो जल्दी. तो अबीर ने शावर ले लिया है और मैं उसको दे रही हूँ उसका फेवरेट स्नैक गांठिया. इट्स गांठिया और गठिया. गठिया नाम जाए जो भी हो पर बहुत स्वाद होता है. I just ate some cotton candy. Yummy. You ate some cotton candy also. Okay. जाओ enjoy करो अपना स्नैक और टीवी देखो. जाओ. तो अभी सूरी के लिए परांठा रेडी है. थोड़ा सा ओवर कुक हो गया पर कोई बात नहीं, कभी कभी मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं. मैंने बैकअप के लिए एक और परांठा तैयार कर लिया है जस्ट इन केस. ओके सो मी एंड अबीर आर अगेन बैक विद आवर हिंदी की क्लास, राइट?
You tired? Okay, I will not take much of your time. So we'll do very very quickly. नाक में उंगलियां मारनी बंद कर। हमें पानी पीना है। हमें पानी पीना है। What does it mean? That you know? I want to drink some water. Wonderful. आज मैं नहाऊंगा नहीं। आज मैं नहाऊंगा नहीं। I know that means I will not take a shower today. Okay. मैं नंगा हूँ। मैं नंगा हूँ। That means I'm naked. Oh. कल होली है। कल होली है। What does it mean? Tomorrow's होली। मैं तुम पर पानी डाल दूंगा। हम तुम पर पानी डालने लगा। कितने आदमी थे? कितने आदमी आने हैं वो ना मीन। How many naughty kids are here? But can you say in Hindi? कितने आदमी थे? कितनी हार्ड आदमी 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 थे थे सरकार दो सरकार दो ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर okay give me your hands it means thank you ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर 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 कैरेक्टर में चला गया बंदा ओके नेक्स्ट डायलॉग बसंती व्हाट इज बसंती बसंती इज द नेम ऑफ अ डांसर एंड somebody इज टेलिंग हर नॉट टू डांस इन फ्रंट ऑफ डॉग्स बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना स्कूल में जाके बोल दिया फालतू में मेरी तो क्लास लग गई मैं नाचूंगी इट मीन्स आई विल डांस मैं आई विल डांस मैं नाचूंगा से नाचूंगा मैं नाचूंगा नाचूहानी मैं नाचूंगा मैं नाचूंगा तो नाचो ओके द नेक्स्ट वन यार कोई हिंदी फिल्म का डायलॉग बताना तुम नहीं समझोगे राहुल कुछ कुछ होता है कुछ कुछ होता है कुछ कुछ मींस समथिंग समथिंग हैपेंस व्हाट डिड यू से व्हाट डिड द होल सेंटेंस तुम मींस यू तुम नहीं समझोगे आई नो दैट मींस यू विल नॉट लिसन या यू विल नॉट अंडरस्टैंड यू तुम्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना तुम्हें हिंदी में बोलना है तुम नहीं समझोगे राहुल कुछ कुछ होता है कुछ कुछ इनको सच में हो रहा है कुछ कुछ Why are you laughing? It's not that funny. कुछ कुछ से कुछ कुछ अंजलि हम दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे ओके या बच्चे का ना इंटरेस्ट जाता हुआ दिख रहा है मुझे तो मैं इंटरेस्ट बनाए रखूंगी पूरी तरह से आपको पूरा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे आई थिंक समटाइम्स फ्रेंड ओके यू वांट टू आस्क मी समथिंग व्हिच यू वांट मी टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी आई नो या अबी अबीर इन हिंदी अबीर होंगे अबी 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 मक्खी से मक्खी मक्खी मक्खियां मत मारो मक्खियां मत मारो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो चैनल सब्सक्राइब करो एलिफेंट हाथी साउंड्स लाइक मोर देन अ हैंड या सो हैंड इज हाथ एंड एलिफेंट इज हाथी दैट शुड बी हैंड मैं क्यूटी पाई हूँ लाइट्स लाइट इज रोशनी 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 आ जाओ आई नो विंड हवा आई नीड
हवा हवाई हवा हवा हवाई हवा हवा आई थिंक बच्चे थोड़ा टायर्ड हो चुके हैं तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं सब्जेक्ट से बाहर चले गए हैं वो चले ही गए हैं अम्मा मूसिंगा मेक श्योर यू सब्सक्राइब ओ अम्मा हिंदी में बोलो ना आप सब्सक्राइब करो अच्छा अच्छा उनको वॉच कर लोगे तुम हिंदी में बोलो आप सब्सक्राइब कर दो प्लीज आप सब्सक्राइब करो प्लीज आई एम गोना वॉच अच्छा चलो ठीक है ओके गाइस मैं आपसे मिलती हूं नेक्स्ट शॉट में लेट मी बी सूरी प्लीज डैडी भी आ गए हैं आपने हिंदी सीख ली सारी आज यस चलिए आप सोने यस पता इसको समझ तो सारी आती है अरे ये बहुत तेज है ये बता रहा हूं मैं आप सबको ही नोस एवरीथिंग आपके घर में लाइम स्केल की प्रॉब्लम है मैं मानती हूँ कि मेरे घर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज इट्स अ ब्रांड न्यू हाउस बट स्टिल लाइम स्केल डिपॉजिट होना शुरू हो गया था हालांकि हमने अपने घर में वाटर फिल्टर भी इंस्टॉल करवा लिया है तो लेकिन वाटर मार्क्स और थोड़ा बहुत लाइम स्केल अभी भी आता है बट ये जो मैंने आज जो लाइम स्केल रिमूव करा है अपने घर से ये वाटर फिल्टर लगाने से पहले का डिपॉजिट हो रखा था वाटर सॉफ्टनर लगाने से पहले का डिपॉजिट हो रखा था तो आज मैंने वो सारा क्लीन कर दिया है सो नाउ आई विल सी कि अब कितने टाइम बाद फिर से लाइम स्केल आएगा और या फिर नहीं आएगा क्योंकि अब वाटर सॉफ्टनर है घर में However, इस माइकाल के बारे में मुझे मेरी फ्रेंड्स ने बताया सो थैंक यू उर्वशी एंड आशिमा फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस मैजिक तो गाइस अगर आपके घर में भी लाइफ स्किल की प्रॉब्लम है माइकाल ले आओ जिंदगी को आसान बना लो यूके में रहते हो तो किसी भी सुपरमार्केट से बड़ी इजीली मिल जाएगा अगर आप यूके में नहीं रहते हो इस ब्लॉग की एंडिंग के बाद मैं जाकर अमेजोन पे चेक करूंगी अगर मुझे लिंक मिला मैं जरूर लिंक डाल दूंगी अपनी डिस्क्रिप्शन में तो होपफुली यू गाइस कैन ऑल्सो ऑर्डर इट लिस्ट बढ़ती जाएगी हम सारे घर के लाइंस के हटा डालेंगे नहीं गाइस बट सीरियसली मैजिक है ये मैं लाइन स्केल को लेके पागल हो रखी थी एनीवेज गाइस लेट्स नॉट गो इन डिटेल्स आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक एंड कमेंट और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इससे पहले मैं जाऊँ मैं आपको कल के ब्लॉग की थोड़ी सी हाईलाइट्स दे देती हूँ कल का ब्लॉग बड़ा मजेदार होने वाला है होली खेलने वाले हैं हम वो भी अपनी छोटी के साथ अबीर सूरी के साथ वो बहुत एक्साइटेड है मैंने छोटी के लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें प्लान कर रखी हैं सो दैट यू विल सी इन आवर स्पेशल व्लॉग होली व्लॉग और वो बहुत एक्साइटेड है या और बहुत मजा आने वाला है मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं मुझे तो होली बहुत पसंद है तो बस फिर इन थॉट्स के साथ ये व्लॉग करते हैं एंड और हम आपसे मिलते हैं अपने होली स्पेशल व्लॉग में टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस बाय